दोस्तों, मैं आज आप सब लोग के लिए कोई क्लास लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आप सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन की क्लास लेकर के आया हूं। मोटिवेशन मेरा अपना खुद का नहीं है, लेकिन एक किताब में जो लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब थी, तो मैंने, और एक्चुअल में कोई किताब अच्छी नहीं होती, सब किताब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमको जहां से सीखने को कुछ मिलता है ना, तो वो किताब नहीं, वो हमारी दोस्त बन जाती है। और दोस्तों से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, और जिनका दोस्त किताबें होती हैं, उनका तो वो दुनिया से ही निराले होते हैं, क्योंकि दूसरे दोस्त जो इंसान के दोस्त होते हैं, वो तो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन किताबें एकमात्र ऐसी दोस्त हैं जो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी, वो हमेशा आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, और जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप सफलता की नियमित सीढ़ियों को चढ़ोगे, आप कभी नीचे नहीं आओगे। इसलिए किताबों से दोस्ती करिए। और इस किताब में जो लिखा हुआ है, मैं आपके सामने बताता हूं दोस्तों, कि कठिन समय में कमजोर लोग टूट जाते हैं। कठिन समय में तो कमजोर लोग टूट जाते हैं, और खुद पर भरोसा करने वाले लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। विजेता सदा आगे बढ़ते हैं, जो विनर होते हैं वो बिना कुछ सोचे सबको अनसुनी करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लूजर्स होते हैं, जो हारे हुए इंसान होते हैं, वो दुनिया की तरफ कान करते हैं, भाई वो क्या बोल रहा है, वो क्या मुझको बोल रहा है, इसके बारे में वो लोग ध्यान रखते हैं। तो विजेता बनना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, और अगर आप बहरे हैं तो दूसरों की डीमोटिवेट करने वाली बातों को आप सुनेंगे ही नहीं, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, अगर मुर्गियों के साथ रहना है आपको, तो आप बाज जैसी उड़ान कभी नहीं रख सकते, और अगर आपको बाज के जैसी उड़ान चाहिए, आपको बाज बनना है, आसमान नापना है, तो आपको मुर्गियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और सही अवसर हमें सफलता दिलाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि सही अवसर आता कब है? तो दोस्तों, सही अवसर आता नहीं है, सही अवसर को लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे? तो सही अवसर आपके हर दिन, हर पल किए गए छोटे छोटे प्रयास से ही आता है, और आप छोटे छोटे प्रयास जब करते हैं, और जब वो एक बड़ा प्रयास बन जाता है, एक बड़ी कोशिश बन जाती है, तो आपको आपकी सोच से कहीं आगे कहीं बड़ी सफलता नसीब होती है। इसलिए कोई भी काम को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे को छोटा ना समझो, मत जानो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। इसलिए छोटा, चाहे वो काम हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को छोटा ना समझना, क्योंकि कोई भी छोटा इंसान कब काम आ जाए ये आप नहीं कह सकते, ये उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। इसलिए आप अपने मेहनत पे, आप अपने कर्म में भरोसा रखिए, और नियमित कर्म करते रहिए। और सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं, वे कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहते, वे अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी कठिन मेहनत से करते हैं। कामयाब लोग वो सब करते हैं जो नाकामयाब लोगों के लिए कठिन होता है, जो नाकामयाब लोग कभी नहीं करते, वो करते हैं कामयाब लोग। और जब नाकामयाब लोग नहीं करेंगे, तो उसको कामयाब तब होगा वो जब वो करेगा, तभी तो कामयाब होगा वो। कठिन परिश्रम ही आपको भाग्यशाली बनाती है, और ये लाइन मुझे इस किताब की बहुत अच्छी लाइन लगी दोस्तों, कि इसमें किस्मत के बारे में नहीं बताया गया कि आप किस्मत के भरोसे रहिए, इसमें ये बताया गया किस्मत बनाना है आपके हाथों में, इन मुकद्दर की लकीरें हैं, आप अपने इन हाथों से अपना मुकद्दर बना सकते हो, लेकिन कैसे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोना नहीं जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप खूब मेहनत करने के लिए तैयार होगे, जब आप खूब मेहनत करोगे, तो किस्मत बदलेगी ही बदलेगी, कोई उनको बदलने से नहीं रोक सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों मुझे जो अच्छे लगे। अभी मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि बुक मुझे आज ही मिली है, और मैं इसके जो अच्छे पॉइंट्स हुआ करेंगे अब आप सब लोगों के सामने शेयर करूंगा। लेकिन आपका भी काम बनता है कि आपको अगर नॉलेज मिलती है तो आप भी वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों को बोलिए कि ज्ञान बढ़ाओ यार, क्योंकि ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, और जिसके पास ज्ञान है वही सब जगह विद्यमान है। और ध्यान रखना कि स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते, क्योंकि
अपने राज्य में, अपने देश में तो सिर्फ राजा ही पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा की जाती है, पूरी दुनिया में लोग उसको पूजते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।